नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीताराम गाडरी और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बकरियों की जो पसंदीदा बैल होती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि बकरियाँ मतलब इस बैल को खाने के लिए कितनी मतलब कांटों की जगह पर भी ये खा रही हैं इसको, जो कि मतलब कैक्टस का पौधा होता है, कैक्टस की तरह ही होता है, इसको राजस्थान में थोर बोलते हैं, इसके ऊपर ये बेल लगती हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से मतलब ये बकरियों को ये बेल बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, इसलिए ये बेल को खाने के लिए दौड़ती हैं और अपने मतलब अपनी दूसरी बकरियों के साथ ये खाती हैं, तो उसे छीना झपटी भी करती हैं। तो दोस्तों, बकरियों को बेल के साथ साथ मतलब जो चना, इस तरह के दलिया, ये भोजन भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये इनको बहुत अच्छी तरीके से खाती हैं। तो दोस्तों, आप भी खिलाए, और मतलब मैं आपको अब वीडियो बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप देख के समझ सकते हो कि ये बेल इनको कितनी टेस्टी लगती है और मतलब बहुत ही बढ़िया है ये बेल। तो जैसा कि आप दोस्तों इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि ये एक बकरी है जो मतलब बिल्कुल कांटों के बीच में जाकर भी इस बेल को खा रही हैं, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि ये बेल कितनी टेस्टी होगी। तो दोस्तों, यह बेल राजस्थान के अंदर जो मतलब कैक्टस की तरह एक पौधा होता है, उनके बीच में उनके ऊपर अपने आप से लगती हैं दोस्तों। इसको कोई इसकी कोई बुआई नहीं होती है, ये इसको कोई या बोया नहीं जाता है, ये अपने आप दोस्तों ये लगती हैं। तो आप इस वीडियो में समझ पाए होंगे कि दोस्तों, ये बेल मतलब बहुत ही लाभदायक है इनके लिए, इससे बकरियों में बहुत अच्छा बदलाव आता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।